इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 12 सितंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। भारत के मिहिर सेन को लंबी दूरी तय करने वाला बेहतरीन तैराक माना जाता है। उन्होंने आज के दिन 1966 में डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया था। 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन विश्व के पहले व्यक्ति रहे। देश दुनिया के इतिहास में 12 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1217 में फ्रांस के राजकुमार लुई और इंग्लैंड के राजा हेनरी तृतीय ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1398 में आज ही के दिन तैमूर घोड़ों की 92 टुकड़ियों के साथ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा और अटक में नदी को पार किया था। आज ही के दिन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य रहे फिरोज गांधी का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन आज ही के दिन 1922 में हुआ था। आज ही के दिन 1953 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जैकलीन बुबिये से शादी की थी। 1966 में आज ही के दिन भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स जल डमरू मध्य को तैरकर पार किया था। आज ही के दिन 1968 में अल्बानिया ने खुद को वारसा संधि से अलग करने की घोषणा की थी। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार जयकिशन का निधन आज ही के दिन 1971 में हुआ था। भारतीय अभिनेता गायक पत्रकार तथा लेखक रंजन का निधन आज ही के दिन 1983 में हुआ था। आज ही के दिन 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, पूर्व और पश्चिम जर्मनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1991 में आज ही के दिन अंतरिक्ष शटल STS-48 अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। आज ही के दिन 1997 में 43.5 करोड़ मील लंबी यात्रा के उपरांत मार्स ग्लोबर सर्वेयर यान मंगल की कक्षा में पहुंचा था। 1998 में आज ही के दिन कुआलालंपुर में 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ हुआ था। आज ही के दिन 2001 में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 2004 में आज ही के दिन उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया था। आज ही के दिन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान सौदे में रियायत देने की घोषणा की थी। 2008 में आज ही के दिन सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद किया था। आज ही के दिन 2009 में भारतीय महिला टीम विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आखिरी दौर में अमेरिका को 3-1 से हराकर 7वें स्थान पर रही। 2012 में आज ही के दिन एप्पल ने आईफोन 5 और iOS 6 फोन लॉन्च किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।